अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, एनआरपी 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत दखल खशन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त, और 22 नवंबर और 23 नवंबर की दरमियानी रात है ये। और आज हम खिदमत दखल खशन की तरफ से आप लोग 40 यानी कि 40 ब्लैंकेट्स हैं जो हमारे खिदमत दखल खशन के जो मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से 40 ब्लैंकेट्स हम आज लोगों में तकसीम करेंगे। ऐसे लोग जो रोडों पर सोते हैं, सड़कों पर, गलियों में, फुटपाथों पर और कई सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत ही मजबूर लोग होते हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए भी होता है। आप देखिए, तकरीबन फुटपाथ पर लोग ऐसे सोते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, तो वैसे लोगों के लिए हमने ये ब्लैंकेट्स का इंतजाम किया है। और इस वक्त मेरे साथ में मेरे छोटे भाई सैयद फैज भी मेरे साथ हैं। फैज बाबा मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर मैं ब्लैंकेट्स तकसीम करूँगी। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे कई सारे लोगों का ख्याल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ब्लैंकेट्स लेकर अपने घर पर रखिए, हमारे पास से हम किसी को भेजा कर भी आपके पास से ब्लैंकेट्स मंगा सकते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर हमारे को ब्लैंकेट देना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस डीआरडीएल रोड चंदन गुट्टे पर मेरा ऑफिस है, आप लोग इस तरीके से ब्लैंकेट्स ला कर भी वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त जाड़े का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं बाहर। एक बार अगर आप लोग अगर घर के बाहर निकलेंगे रात के 1 बजे के बाद, एक बार कभी आप बाहर निकलिए घर के और देखिए बाहर कैसा मौसम है, बाहर कितना जाड़ा है, कितने सर्दियाँ। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं होते, प्लास्टिक के जो थैले होते हैं वो ओढ़ कर सो रहे हैं। कई सारे लोग बिछाने के लिए अगर उनके पास है तो ओढ़ने के लिए नहीं, अगर ओढ़ेंगे तो बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप लोग जैसे चाहे आप लोग मदद कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग ब्लैंकेट भी खरीद कर रखना चाहते हो घर पर रखिए, हम किसी को भिजा कर आपके पास से मंगवा लेंगे। और कई सारी जगहों पर इंशाल्लाह इस वक्त हम हैदराबाद शहर के कई सारे अलग अलग एरियों में जाकर ये ब्लैंकेट तकसीम करेंगे।
इंशाल्लाह और भी हम कई सारे ऐसे जगहों पर, फुटपाथों पर, जैसे कि रोड सड़कों पर जो लोग होते हैं उनके भी ये इंशाल्लाह तकसीम करते रहेंगे ब्लैंकेट्स। बस मैं यही चाहती हूँ, देखिए आप लोग कई ऐसे लोग, अभी आपने देखा कि एक बंदा देखिए नीचे प्लास्टिक बिछा कर सो रहा है, एक बेचारा तो नीचे कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, उसके पास एक छोटा सा टॉवल है, अगर वो सर पर उड़ा है तो पैर पर नहीं है, पैर पर उड़ता है सर पर नहीं है, तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो शायद इतने मजबूर होते हैं, शायद उनके पास ब्लैंकेट भी नहीं होती है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे वक्त उनकी अगर आप लोग दुआ लेंगे तो बराबर आप लोगों को इसकी दुआ लगेगी और एक बहुत बड़ा नेक काम रहेगा आपके लिए। नाम है जय। तो बस